हेलो दोस्तों, मैं ईआर रजनीश कुमार सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के आपदा प्रबंधन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले प्रबंधन का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदाएँ मानव जातियों पर्यावरण के लिए खतरा है, इस कथन को स्पष्ट करें। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख तत्व बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी आपदा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वायत्त संस्थाओं की भूमिका का विस्तार से उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये आपदा प्रबंधन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं इसके अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट मैथ के एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करूँगा विथ सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।